एवरीबडी आई वेलकम यू ऑल टू दर्ड लेक्चर ऑफ पीटी थ्री फाइव सीरीज इसमें वी आर कवरिंग पीटी थ्री सिक्सटी फाइव जिसको हम वी आर ट्राइंग टू रिड्यूज इट टू दन थर्ड ऑफ इट साइज ठीक है इसको इलिमिनेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं ठीक है लेक्चर वन में हमने क्या किया था लेक्चर वन में हमने इसको देखा था इशूज विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेक्चर टू में भी टॉक अबाउट की पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बातें करी थी इन लेक्चर थर्ड वी विल टॉक अबाउट इन द थर्ड पार्ट विल टॉक अबाउट द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन द फोर्थ पार्ट विल टॉक अबाउट द जुडिशरी एक्चुअली मैंने पार्ट बाई पार्ट डिवाइड इसलिए किया ताकि आपके लिए भी ईजी हो और समझने के लिए भी यार सही रहे ठीक है अब देखो यार अभी एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं तो पार्ट वन में हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था ठीक है इसके बारे में कुछ चीज़ें हमने देखी थी एब्रोगेशन ऑफ थ्री देखा था इसमें आर्टिकल थ्री देखा था हमने ठीक है कि आर्टिकल थ्री को यूज करके बाउंड्री कोऑल्टर किया था एंड आर्टिकल थ्री सेवेंटी को वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक मूवी भी आई है अभी रिसेंटली इफ यू कैन वॉच यू शुड वॉच इट ठीक है दो तीन घंटे की मूवी तीन घंटे की मूवी है तो अगर आ जाए एक्सेस हो तो देख लीजिए आप इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट्स गुड अगर आप देख लें इसको तो ठीक है प्री के में बता दिया था कि आर्टिकल थ्री को यूज करके हम काम करते हैं ठीक है जो बाउंड्रीज को ऑल्टर किया था हाव जो आर्टिकल थ्री सेवेंटी का एप्रोगेशन था दैट वॉज डन बाई ए स्पेशल मेजोरिटी ठीक है हाव जिससे बाउंड्री हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, को डिवाइड किया था उसमें आर्टिकल थ्री को यूज किया था एंड दैट वॉज डन बाई ए सिंपल मेजोरिटी तो दो तरह की मेजोरिटी यहां पे यूज हुई थी ओके नाउ कम हेयर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट इसको देखा था हमने कि की पावर क्या होती है इंक्रीज हुई है ठीक है था राइट क्या होते हैं ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए राइट हेट स्पीच देखा था क्या इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं एक चीज इंपॉर्टेंट थी दिस इज इन दिस इज नो वेर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कई मैंशन नहीं किसी लॉ में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया इस पेज स्पीच कोइट ओके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी देख लिया था हमने और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसको भी देख लिया था नाउ पार्ट टू में हमने क्या देखा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किस तरीके से पास होता है ठीक है रिस्ट्रिक्टिव मोशन है कहाँ पास होता है वो सब देखा था हमने प्रिविलेज कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था देख लिया तो पर से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ एवर ग्रीन टॉपिक है दो के यूपीएससी प्रम्स में आया भी था ठीक है हर साल न्यूज में रहता है तो इसको हम देखेंगे लक्ष्मीकांत में आप ऐसे भी कवर करते हो इसको ठीक है ओके गवर्नर का प्रेसिडेंट का हमने देखा था एंड वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द सेक्रेटेरिएट यह इम्पोर्टेंट नहीं था बिल्कुल नहीं था इसमें ये वाला पार्टो हमारे स्टेटिंग में आ जाता है कवर ये वाला पार्ट भी स्टेटिंग में कवर हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से हमने इसको कवर किया था ओके नो कम हेयर थर्ड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन बारे में कवर करेंगे इसमें रोल ऑफ गवर्नर देखेंगे कोऑपरेटिव ऑपरेटिव देखेंगे दिस इज बेसिकली टॉपिक ऑफ मीस बस ऊपर ऊपर से हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे ठीक है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट ठीक है इसको देखेंगे इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट अगेन आपके लक्ष्मीकांत का चैप्टर है ठीक so, है वेरी क्लासिक चैप्टर को हम पढ़ते हैं आर्टिकल टू सिक्सटी टू आर्टिकल टू सिक्सटी थ्री ठीक है रिवर बोर्ड एक्ट होता है इसमें ट्राइब्यूनल्स होते हैं ये सारी चीज हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे ठीक है तो फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में जुडिशियरी देखेंगे जुडिशियरी देख लेंगे ठीक है जुडिशियरी में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी हम देखेंगे उसको ये इम्पोर्टेंट रहेगा लीगल एड इम्पोर्टेंट है इसमें लालसा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड मीडिएशन एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लोक अदालत आपके लक्ष्मी में कवर हो जाता है मॉडल प्रिजन एक्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम देख लेंगे इसमें से ठीक है इस इंपॉर्टेंट है बहुत कमी इंपॉर्टेंट होता है यार सिर्फ नाम का इंपॉर्टेंट है ओके नाउ दिस इलेक्शन इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें से हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे इसमें पूरा मतलब ऑलमोस्ट हम देखने की कोशिश करेंगे अभी इलेक्टोरल फंडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया वो इसमें कवर नहीं हुआ है सेकंड पार्ट में कवर करेंगे लोग तो इसलिए इक्टोरल फंडिंग हमारे लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ठीक है अब देखिए इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट ले अब देखो यार एक चीज मैं बताता हूं आपको कि एक साल में बहुत सारे बिल्स और रजिस्ट्रेशन और लेजिसलेशन पास होते हैं ठीक है सबको पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि मल्टी स्टेटी वाला इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें इसको ऊपर ऊपर से देख लेंगे ओटीटी रेगुलेशन ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसको देख लेंगे हम लोग ठीक है बाकी ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी नहीं है बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम लोग यहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है अब नाउ कम सेवन पार्ट वाला आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे ठीक है ये लोकपाल डिलिमिटेशन ये सब कवर करेंगे अच्छे से मिशन कर्मियों की देख लेंगे ये आपका गवर्नेंस का पार्ट है तो इसको देख लेंगे कर्मयोगी इससे क्वेश्चन आते हैं राइट इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली वर्ग इन टॉपिक इसको पढ़ेंगे आधार पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया ऊपर ऊपर से देख लेंगे हम लोग ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं फालतू टॉपिक है और ये तो आपका एवरग्रीन क्लासिक टॉपिक है आपका जो है शन ऑफ फ़ॉरेस्ट राइट्स एक्ट एफ ठीक है? कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज होगा तो देखेंगे हम लोग यहाँ से इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया है अभी आपको ठीक है नाउ अभी थर्ड लेक्चर में हम लोग फिलहाल के लिए तो ये थर्ड सेंटर स्टेट रिलेशन कवर करते हैं it, तो ये पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स में आपका लिट्स गो टू पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स राइट ओके आपका यहाँ पे सेंटर स्ट्रेट रिलेशन ओके द फर्स्ट टॉपिक इज योर ऑफकोर्स इट इज यवर्नर का रोल व्हाट इज रोल ऑफ गवर्नर तो देखिये सेंटर स्टेट के रिलेशन को मेनटेन करने के लिए बेसिकली सेंटर गवर्नर को अपॉइंट कर दिए किसी भी स्टेट को रन करने के लिए ठीक है तो स्टेट सेंटर द्वारा अपॉइंट किया गया जो हेड होता हैड ऑफ स्टेट है दैट इज योर गवर्नर ठीक है governor, ये चीज हो गई आपकी तो जो हमारा वो कहते हैं ना कि फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हम बैलेंस तरीके से करते हैं सेंटर एक और चीज़ है कि कंट्रोल किस तरह के स्टेट पे रखता है गवर्नर की जरूरत है कि गवर्नर बिल्कुल रिजर्व कर लेते हैं ठीक है गवर्नर क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप यू अप्लाई द प्रेसिडेंट रोल तो इस तरीके की चीजें हम यहाँ पे देखने को अपने को मिलेंगी ठीक है तो गवर्नर रोल का बड़ा इंपॉर्टेंट है इट्स अन्स के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रलियम्स के लिए भी है तो गवर्नर के कुछ रोल्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है तो बेसिकली इसमें इस वाले आर्टिकल में क्या बता रखा है ना आपको देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है कि केरला तमिलनाडु पंजाब के सुप्रीम कोर्ट के के पास गए हैं वो लोग वो अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नर के पेंडिंग बिल्स के ऊपर ठीक है तो देखिए होता क्या है ना कि गवर्नर गवर्नर करते क्या है कि गवर्नर के पास स्पेशल पावर मिली हुई है इनको कि वो ना बिल को पेंडिंग रख लेता है बिल क्या होता है ना कि स्टेट लेजिस्ल में बिल बना ठीक है तो बिल बनने के बाद उनका गवर्नर के पास उनका अप्रूवल इज मैंडेटरी फॉर द बिल मान लिया बिल लेकर गवर्नर के पास जाएंगे अब गवर्नर अगर इसको अप्रूवल देंगे तभी जाके बिल क्या होता है एक्ट में बनता है ना इन गवर्नर के पास अब ये बिल जैसे गवर्नर के पास आता है इनके पास ऑप्शन होता है कि या तो बिल को एसेंट दे दे बिल को अप्रूवल दे दे या फिर बिल को रिजेक्ट कर दे पहला ऑप्शन की असेंट दे दे दूसरा ऑप्शन की रिजेक्ट कर दे बिल को तीसरा ऑप्शन है कि उस बिल को वो रिजर्व कर ले रिजर्व क्यों करें रिजर्व करेंगे बोलेंगे भैया कि ठीक है मेरे जो प्रेसिडेंट साहब है ना मैं प्रेसिडेंट साहब को ये बिल रेफर करूंगा एंड नाउ ही विल सी आफ्टर इट कि उसका क्या करना है ठीक है तो यही चीज़ है कि पहला ऑप्शन होता है गवर्नर के पास सी पहला ऑप्शन नंबर वन इज द गिव एसेंट टू द बिल देन बिल बिकम्स अ वेल इन गुड जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था सेकंड होल्ड एक्सेंट मतलब कहा कि नहीं हम इसको एसेंट नहीं देंगे रिजेक्ट करते हैं बिल को तो आपने काट दिया अब बिल जो है लॉ एक्ट नहीं बनेगा क्लियर तीसरा है कि रिटर्न द बिल फॉर द लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर को क्या बोला कि देखिए बिल आपने जो दिया था ना हमको मुझे नहीं लगता कि बिल में कुछ मुझे लगता है कुछ गलत है बिल में सो so यू इनको बिल को वापस भेजा बोला कि भैया इसको स्टेट स्टेटिस्टर को बोला कि आप इस बिल को रिकन्सिडर कीजिए फिर से देखिए कि कुछ गलती तो नहीं है रिकंसिडरेट उसके बाद बताइए हमको अब यहाँ पे एम क्या बनता है कि आप यहाँ से एम सी पे ये बनेगा कि जब गवर्नर के पास बिल पहुंचा था गवर्नर ने बिल को रिटर्न किया था तो अब स्टेट लेजिचर क्या करे बिल में कुछ चेंजेस करे या बिना चेंज किए वापस भेज दे ठीक है तो अब गवर्नर क्या कर सकते हैं अगर बिना चेंज किए भी वापस भेजता है ना तो गवर्नर को एक्सेप्ट करना पड़ता है दिस इज योर एमसीक्यू यहां से बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड करे या ना करे दोनों किए बिना भी गवर्नर के पास भेजते हैं तो गवर्नर नाउ टू एक्सेप्ट ठीक है हाउ अब थर्ड चीज क्या है कि रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है तो अब क्या बोला गवर्नर ने कहा ये थर्ड केस जो था हमारा कि देखिए बिल हम कुछ डिसाइड नहीं करेंगे प्रेसिडेंट साहब को हम भेज देते हैं वही अभी जो हमारे बड़े साहब है वही डिसाइड करेंगे ठीक है तो इन्होंने क्या किया कि बिल को रिजर्व कर लिया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन बचता है कि रिजर्विंग बिल कर लिया प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंचा अब बिल प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन बचता है ठीक है तो देखिए अब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने कहा एक लूप बन जाता है यहां पे जैसे गवर्नर के पास आया तो गवर्नर को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर मान ली गवर्नर रिटर्न किया है बिल को रिटर्न किया है और वापस गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा टू तो री द बिल ठीक है ये लूप होल बनता है आपका यहाँ पे ठीक है बट यहां पे एक और लूप होल बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बोला है ना गवर्नर को कि कि जो के लिए जो टाइम है ना ठीक है वो कितना है कितने टाइम में उसको रिकंसिडर करना है तो गवर्नर क्या कर सकते हैं कि वो क्या करते हैं ना कि इसको इंडेफिनेट टाइम पास रख सकते हैं बिल को तो यहां पे एक लूप बन जाता है गवर्नर चाहे तो बिल को इनडेफिनेट टाइम के लिए पेंडिंग रख सकते हैं सो so ये आपका एक लूप होल है राइट दिस इज लूप होल अब एक और चीज है कि अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट को बिल को रिकमेंड किया है न प्रेसिडेंट गवर्नर को बोल सकते हैं कि वापस बिल को वापस भेजो ठीक है रीअनेक्ट होकर आया फिर से वापस भेजो सो प्रेसिडेंट कैन डू दिस बट गवर्नर दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते एक बार आया तो उनको अपॉइंटमेंट उसको अप्रूवल देना पड़ेगा बट अगर उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट के पास पहुंचा दिया है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको वापस भी रिटर्न कर सकते हैं ठीक है तो दिस इज अ थिंग ये एक बेसिक चीज है ध्यान रखना लक्ष्मीकांत में वैसे भी हम लोग इसको पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत जब रिवाइज करोगे तो टॉप उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वहां हम लोग पढ़ेंगे ओके ऑलराइट अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना ये जो केसेस हैं ज्यूडिशियल केसेस विद रिगार्ड रिगार्ड टू तो द गवर्नर दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स मीनस के लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिस पार्ट इज योर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स तो देखो इसको आप ऊपर ऊपर से देख लो यार बेसिक कॉमन सेंस है कि देर शैल बी अ गवर्नर फॉर स्टेट कॉमन सेंस होता ही है आर्टिकल रटना नहीं है आपको यू डोंट हैव टू रिमेंबर द आर्टिकल्स ठीक है इस रक्ट्टाफिकेशन में नहीं लग जाना यार प्लीज डोंट रिमेमर द आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करने होते हैं उसमें भी क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं तो आर्टिकल नहीं रटना चीजें समझो कि एक गवर्नर होगा कॉमन सेंस जिसको रटना नहीं है एग्जीक्यूटि पार्थ द स्टेट शेल भी वेस्टेड इन द गवर्नर चलो कोई कुछ खास बात तो नहीं ठीक ही बात बोल रही है ठीक है ठीक है अब गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट क्या यार कॉमन सेंस वाली बात है ठीक है बाय ए वारेंट अंडर इज हैंड एंड सील देखो एक इसका समझना कि वारंट अंडर इज हैंड एंड सील का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे इसमें कोई प्रोसेस नहीं होगा ठीक है जैसे कि और चीजों का प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इलेक्शन का प्रोसेस होता है अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ही बट इनका सिस्टम से इनको अपॉइंट किया जाता है बट यहां पर कोई सिस्टम नहीं है देर इज नो सिस्टम देर इज नो अपॉइंटिंग बॉडी प्रेसिडेंट अपने हैंड एंड सील से करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं और प्रेसिडेंट की मर्जी से रिमूव भी कर सकते हैं गवर्नर को ठीक है हैंड एंड सील का मतलब यह होता है गवर्नर शेल है पावर टू ग्रांट पार्टन एंड गवर्नर पार्टन दे सकते हैं रिप्राइव दे सकते हैं पार्टन का मतलब देखो जब लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे ना लक्ष्मीकांत जब भी आप पढ़ोगे तो वहां पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को साथ में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है दोनों को साथ में पढ़ते हैं तो दोनों की जो पार्डनिंग पावर होती है ना मतलब कि क्षमा देने की जैसे मान लो किसी ने कुछ क्राइम किया है उसको पार्डन करने की जो पावर होती है वो दोनों हम लोग कंपेयर करते हैं प्रेसिडेंट वर्सेज गवर्नर दोनों में डिफरेंस ये होता है ना यार कि देखो दोनों सारी पार्डनिंग पावर दोनों की सेम है प्रेसिडेंट और गवर्नर की ठीक है डिफरेंस क्या आता है बस एक ही दो जगह डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं एंड जो कोर्ट मार्शल है वो कोर्ट मार्शल को भी पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट हाउ जो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस को भी नहीं कर सकते और कोर्ट मार्शल को नहीं कर सकते मतलब ये ये दो चीजों को नहीं कर सकते गवर्नर ठीक है तो यहां डिफरेंस आ जाता है पार्डनिंग पावर में तो ये भी देख लिया हमने ओके दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइजर गवर्नर सेम होता है आपके सेंटर में बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइजर प्रेसिडेंट ओके गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर सेम प्रेडेंट अपॉइंट प्राइमिटर एंड अदर मिनिस्टर्स तो वो सेंटर स्टेट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नर प्रोमलगेट दर्डिनेस सेम अगर ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट भी बनाते हैं सेम ऑर्डिनेंस गवर्नर भी बनाते हैं ओके okay? तो ये चीज होगी आपकी गवर्नर इस कंसल्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जडिस ऑफ हाईकोर्ट कॉमन सेंस वाली बात है यार कंसल्ट कर लेंगे तो क्या कंसल्टेशन ही तो कर रहे हैं ना थोड़ी बोल रही कि आप ही अपॉइंट कर दीजिए इसको ठीक है ये हो गया नाउ कम यार कोऑपरेटिव फेडरिजम इट इज असिक क्वेश्चन फॉर योर मेन्स एग्जाम

फेडरलिज्म को कौन कौन से फीचर बताते हैं तो पहला आपका सेवन शेड्यूल भैया सेवन शेड्यूल कैसे करता है सेवन शेड्यूल आपको क्या बोलता है कि आपके पास तीन तरह के लिस्ट होते हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड आपके कंकरेंट लिस्ट इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे किस पे कौन लॉ बनाएगा डू टू थिंक कि जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है फेडरलिज्म का मतलब तो यही होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और ये भी तो एक्जैक्टली सेवन शेड्यूल यही कहता है कि सेंटर स्टेट के बीच में जो लिस्लेटिव पावर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, किस पे कौन लॉ बनाएगा तो इट इज अ अग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिव या फिर फेडरलिज्म इन इंडिया सेवन शेड्यूल ऑल इंडिया सर्विस अंडर द थ्री वन टू अब देखो ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है कि जैसे यूपीएससी के आई एस आई पी एस आई एफ एस ऑफिस हैं इनको अपॉइंट करती है सेंटर मतलब यूपीएससी करती है यूपीएससी सेंट्रल बॉडी है ठीक है और ये लोग जाके स्टेट में काम करते हैं तो डोंट यू थिंक यहां पे कॉपरेशन हो रहा है अगेन ओके इंटीग्रेटेड जुडिशियल जुडिशल सिस्टम मतलब क्या हुआ कि आपका सुप्रीम कोर्ट होता है हाई कोर्ट होता है अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ना इंटीग्रेटेड फिल्म में फंक्शन करता है राइट right? कि अगर मान लिया कि मद्रास हाईकोर्ट है तो मद्रास हाईकोर्ट कैन गिव द लेजिस्लेशन विच कैन बी अपलाई टू डेली ऑल्सो क्योंकि ये पूरे इंडिया के लिए है सिर्फ मद्रास के लिए नहीं है राइट right? तो ये हो गया सेम एग्जाम्पल से अगर बॉम्बे हाई कोर्ट है तो बॉम्बे हाई कोर्ट कैन डू लेजिस्लेशन जो कि मद्रास के लिए भी होगा पूरे इंडिया के लिए होगा राइट दिस इज हाउ इट इज वर्किंग ओके ओके अब और क्या है यार देखो आपका आर्टिकल थ्रू सिक्स टू सिक्सटी वन क्या कहता है कि आपके ये कुछ खास बात नहीं है यार वही एक्ट रिकॉर्ड जुडिशल प्रोड्यूसिंग प्रोसीडिंग्स जो है आपके वो आपके पूरे इंडिया में वैलिड होंगे ठीक है हर यूनियन स्टेट में तो कुछ खास बात नहीं है टू सिक्सटी वन जो है अब आपके जोनल काउंसिल बनाए गए थे दिस यू विल स्टडी इन वॉट यह आप पढ़ोगे अपने सेंट इंटर स्टेट रिलेशन में ठीक है जोनल काउंसिल बनाए गए थे ठीक है ओके इसे मान लो कि इंडिया को ना इन्होंने जोन में डिवाइड कर लिया ठीक है कि वेस्टर्न जोन ईस्टर्न जोन सेंट्रल जोन सादर्न जोन ठीक है इस सारे जोन में डिवाइड किए नॉर्दर्न जोन डिवाइड करा इन्होंने हर जोन में कुछ यूनियन टेरेटरीज हैं कुछ स्टेट हैं और इनका ना एक जोन बना लिया इस जोन का एक जोनल काउंसिल बना लिया कि जो भी इनके बीच में इस मान लिया कि जो इस ईस्टर्न जोन में चले गए नॉर्थ ईस्टर्न जोन में चले गए इसे इस मणिपुर है आसाम महद्रीपुर है ठीक है तो इस सब में ना अगर इनमें कॉपरेशन किसी चीज़ का लड़ाई है तो ये जोनल काउंसिल बैठेगी मिलेगी और इनके रेजोल्यूशन इनके जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजोल्व करेगी ठीक है फाइनेंस कमीशन बनाया गया कि जो फाइनेंस है वो सेंट्रल

केरला है यहाँ पे आपका यहाँ पे कर्नाटका है इन दोनों तो में बॉर्डर का इशू चल रहा है ठीक है तो ऑब्वियसली जब स्टेट स्टेट में कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो इट्स अ फेडरल इशू ठीक है ओके इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया है ठीक है ये अगेन आपके इंटर रिलेशंस uh, का जो आपके लक्ष्मीकांत में है उसका टॉपिक है आर्टिकल टू सिक्सटी थ्री क्या कहता है कि प्रेसिडेंट टू सेटअप इंटर स्टेट काउंसिल फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड इट अ ड्यूटी टू इंक्वायर एडवाइस अपॉन द डिस्प्यूट देखिए एग्जाम एमसीक्यू क्या इंपॉन्डेड है आपका एमसीक्यू कहां से बनेगा कि ये कहेंगे कि हु हुटैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल तो आपके वहां पे एग्जाम्पल में दे देगा बोलेगा कि पार्लियामेंट स्टैब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट दैट ठीक है तो यहां से आपका एक एमसीक्यू बनेगा ये ध्यान रखना है मैं यहां पे आप मार्क कर देता हूं ठीक है तो यहां से आपका एमसीक्यू आपका यहां पे एक एमसीक्यू यहां से बन जाएगा ठीक है ओके ओके आगे बढ़ते तो अब ये इंटरस्टेट काउंसिल क्या करती है ये कहती है कि स्टेट देखो कुछ खास नहीं है सब लैंग्वेज में नहीं फंसना है सिंपल सी बात है लक्ष्मी च्जा में आपका दिया हुआ है इसको लक्ष्मीकांत ने पढ़ लेना है अपने को ठीक है जो टॉपिक मैं यहां से बोल रहा हूं ये लक्ष्मीकांत ने आपको पढ़ लेना है ठीक है लक्ष्मीकांत रीड ठीक है ओके मैं एक बार क्या करूंगा ना जो लक्ष्मीकांत का स्टेटिक टॉपिक है ना आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें कि मैं लक्ष्मीकांत से ये सारे टॉपिक्स को स्टेटिक वाले को कवर कर दूंगा ठीक है डोंट वरी अबाउट दैट अब जोनल काउंसिल अगेन आपके स्टेटिक में आएगा ये भी लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा इसको भी लक्ष्मीकांत में आपको कवर करना है ठीक है देखो इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ उसमें कवर करने के लिए क्योंकि मैं अगर इस वीडियो में सबको कवर करूंगा तो फिर इट विल बी वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो और फिर कोई मतलब नहीं रहेगा आप इसको बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे मैं इसलिए इसमें नहीं कवर कर रहा हूं ना एक और रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने यहां पे कवर किया तो क्या होता है देखो आई एम टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसको ना बार बार यहां पर पांच बार रिवाइज कर लिया मान लिया आपने ठीक है और आपने मान लिया आपका सेकंड अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है या जो भी है तो लक्ष्मीकांत में आपको यही चीज पढ़नी है यहां पर ये पढ़ रहे हो आप तो आपके दिमाग को ना स्ट्रगल करना पड़ेगा कि सेम चीज को दो जगह पढ़ना पड़ेगा अब आप बोलोगे दोनों में तो सेम चीज लिखी हुई इट डज नॉट वर्क लाइक दैट आपके माइंड ना आपका माइंड जो है ना वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी पे फंक्शन करता है दोस्त ठीक है तो कहीं से क्या होता है कि आपका माइंड है ना ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी पे वर्क करता है कि आप जो चीज़ देखते हो ना उसको वो रिकॉल करने की कोशिश करेगा एग्जाम में क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्या होता है देर इज अ प्रेशर वाला सिचुएशन इतने प्रेशर में आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाओगे ठीक है तो एग्जाम में एकदम प्रेशर में आपके यही दिमाग में आएगा ये वाला अगर आप बार बार पढ़ा होगा आपने तो तो क्यों दस जगह की मेमोरी बनानी है सो so, इसी चीज को इंटरशेट काउंसिल को लक्ष्मीकांत में जाओ उसको अच्छे से पढ़ लो जोनल काउंसिल लक्ष्मीकांत में जाओ पढ़ लो उसको क्योंकि स्टेट का टॉपिक है दोस्त ठीक है ओके तो यहाँ पे देखो आई काउंसिल जोनल काउंसिल को आपको लक्ष्मीकांत से इसको आपको क्या करना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रीड फ्रॉम इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर डोंट वरी रीड फ्रॉम लक्ष्मीकांत मैं भी कवर कर दूंगा इसको ओके ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट एक बार ऊपर ऊपर से चंडीगढ़ के ऊपर के है केरला के ऊपर है, 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 के है, के के है बस देख लेना ऊपर ऊपर से कुछ खास नहीं आपकी जोग्राफी में काम आ सकता है और कोई बात नहीं है ठीक है ये हो गया अब जोनल काउंसिल देखो यहां पे मैं कवर एक बार दिखा देता हूं ऊपर ऊपर से क्या है इंडिया में पांच जोनल काउंसिल है इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होम मिनिस्टर आपके होते हैं ठीक है थीके? ये सारे मेंबर के नाम आप रटने नहीं बैठ जाना यार इतना नहीं करना कि में, ये सारे मेंबर्स के नाम याद करने बैठ गए ऐसा कुछ भी नहीं करना ठीक है जोनल काउंसिल हमारे पास पांच है सबसे लेटेस्ट हमारा जो है वो आपका नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न ठीक है ये हो गया आपका तो ये पांच जोनल काउंसिल है एक और आपका काउंसिल है कि नॉर्थ ईस्टर्न भी काउंसिल सबसे इस्टेब्लिश किया गया लेटेस्ट में वो इसमें दिया हुआ नहीं है ठीक है लक्ष्मीकांत में आपके उससे पढ़ लेना आप ठीक है मैं ही कवर करा दूंगा डोमरी ठीक है हो गया यहां पे ओके आ, अब यहां से हमारा क्या रहता है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट आपका यहां रह गया ठीक है लक्ष्मीकांत में जाना है आपको मार्क हाईलाइट करके वहां से पढ़ लेना है ठीक है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है आपका रिवर बोर्ड्स एक्ट है ये सब सेटअप किया गया था ठीक है मतलब बेसिक बेसिक भंडार बताता हूँ तो क्या है इसका कि जैसे दो एक रिवर जा रही है वो दो स्टेट के बीच में शेयर्ड है ठीक है तो अब इनके पानी जहां से पानी हो फ्लो हो रहा है ठीक है मान लो कि क्या होता है कि ये रिवर कृष्णा रिवर जो है वो इस तरीके से फ्लो के यहाँ पे जा रही है ठीक है तो इस स्ट्रीम का जो फ्लो है ये यह यहां से मान लो यहां पे किसी का डैम है तो ये तो पानी रुक गया so क्या होता है ठीक हो है, अप, अप है कहा से कहा जा रही रिवर उसने ब्लॉक कर दिया ठीक है तो इसके रिवर के पानी में अगर डिस्प्यूट आता है ये कृष्णा रिवर का बड़ा ही ज्यादा डिस्प्यूट है गोदावरी का डिस्प्यूट है ठीक है कावरी रिवर का बहुत तगड़ा डिस्प्यूट चलता है कर्नाटका में एरिया में ठीक है ओके तो अब देखो क्या है यहाँ पे कि आपको ये सब मैप नहीं रटना है अभी से भी जोग्राफी में आप पढ़ोगे सारे मैप्स को ठीक है तो हमें सेग्रीगेट करना है चीजों को ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी पढ़ ले रहे हैं। हर चीज़ की एक जगह है उसको उसी जगह पर जाकर पढ़ो ताकि आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी अच्छे से बनी रहे ऑल राइट right? तो इंटरस्टेड वाटर डिस्प्यूट क्या करते हैं वाटर डिस्प्यूट को ये करते हैं ठीक है ठीके? अब इस्टेब्लिश कौन करता है ऑब्वियसली क्या हुआ है कि जब भी स्टेट के पास कोई इशू होता है तो स्टेट क्या करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ट्राइब्यूनल बनाई जाए ठीक है वो ट्राइब्यनल क्या करती है वॉर्डिक देती है कि जिस मान लो कि डिस्प्यूट चल रहा है दो स्टेट के बीच डिस्प्यूट है तो ये दो स्टेट जाएंगे सेंटर के पास बोलेंगे भैया क्या करो कि मेरा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बना दो इसको आप कंफ्यूज नहीं हो ना कि इंटर स्टेट काउंसिल है इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट करते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत ट्राइब्यूनल टाइम टू टाइम स्टेब्लिश किया जाता है परमानेंट नहीं है ट्राइब्यूनल ये एड हो ट्रिब्यूनल होते हैं जब काम हुआ उनका जब रिजोल्यूशन हो गया डिस्प्यूट तब जाके डिजॉल्व हो जाते हैं ठीक है अभी क्या हो रहा है ना फिलहाल क्या हुआ रिसेंटली क्या हुआ है किस बन रहे थे ना ये परमानेंट भी बन रहे आपकी अब रिवर्स बोर्ड एक्ट क्या करते हैं रिवर बोर्ड किया जाता है यहां पर है? है? अब आर्टिकल 262 क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एमसीक्यू यहां पे मैं इसको लिख देता हूं कि यहां से आपका एमसीक्यू बनेगा ठीक है क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टू सिक्स टू आर्टिकल क्या कहता है डिटर्स मतलब कि स्टॉप्स प्रिवेंट सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम जुडिकेटिंग ऑन द इंटरेस्ट रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या मतलब है तो आप बोलोगे यार सुप्रीम कोर्ट तो हर चीज के ऊपर जुडिशल रिव्यू एक्सरसाइज कर सकता है तो ये तो गलत हो गया एंड जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कैसे हो गया एक्सेप्शन कैसे हुआ दिस इज नॉट एक्सेप्शन इसका मतलब है कि ये फर्स्ट केस में नहीं करेगा बट अपील जरूर सुन सकता है तो अपील ही तो जुडिशियल रिव्यू होता है कि कोई भी एक्शन को रिव्यू करना इज योर जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू तो स्टिल कर सकता है बट ये फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में नहीं कर सकता समझ आ रही है बात फर्स्ट केस में नहीं करेगा ये इसका एक्सेप्शन है अब इसके पीछे रीजन क्या है बोलोगे क्यों नहीं कर सकता फर्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट तो एफिक्स बॉडी है देखो क्या बात होता है ना कि ये ये डोक ट्रिब्यूनल इसलिए स्टैब्लिश किया जाता है क्योंकि अब मान ली कि ये सब वेरी इंटरकेट इशू सालों से चलता वाला कावरी रिवर का डिस्प्यूट इशू ठीक है तो इस इशू को सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट की पोपैसिटी कम है इट्स अपिक्स बॉडी उसके पास काम भी बहुत ज्यादा है तो इंतर, इतने इंटरकेट वे में इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी सो तो टू तो डिस्ट्रीब्यूट द लोड इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने डेटर कर रखा है तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला किसी पार्लियामेंट ने नहीं बोला इट इज गिवन इन द आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन ठीक है तो यहाँ देख लो यार कैन एग्जाम इन द जुडिल रिव्यू बट फर्स्ट केस में नहीं ले सकते इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर आर्टिकल 262 में दिया हुआ है ठीक है क्लियर है ओके मूविंग अहेड देखो ये कुछ खास चीजें नहीं है करना चाहो तो करो नहीं करना चाहो तो रिस्क लेके छोड़ दो अगर मैं होता तो रिस्क लेके छोड़ देता ठीक है अबाउट कृष्णा वाटर डिस्प्यूट जोग्रफी का क्वेश्चन है कुछ खास नहीं पढ़ना मैं अगर होता तो छोड़ देता ठीक है मैं अगर मैं खुद भी अटम दूंगा तो छोड़कर जाऊंगा इसको ठीक है ये स्मार्टली आपको चूज करना पड़ेगा आप हर टाइम हर कुछ नहीं पढ़ सकते यू हैव टू चूज ठीक है करना पड़ेगा ओके। एक बार कर लेते हैं हैं देख लिया था सारे सारे के सारे के हमारे ये हो गया फिर आपका जोनल ने देखा क्या होता है पांच जो, पांच जोनल काँशल है काँशल से एक और नॉर्थ ईस्टर्न भी हमने स्टैब्लिश किया हुआ है ठीक है स्टेट काउंसिल अलग होता है प्रेसिडेंट इसको सॉरी या प्रेसिडेंट इसको स्टैब्लिश करते हैं क्लियर है लक्ष्मी चाचा में पढ़ लोगे इसको आप स्टेटिक पार्ट है ये भी स्ट्रेटिक है ये जनरल अवेयरनेस है किसका क्या है इसको नहीं लटने बैठ जाना आप ठीक है इंटर स्टेट काउंसिल जोनल काउंसिल लक्ष्मीकांत से जरूर से जरूर पढ़ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स एन एवर ग्रीन टॉपिक ठीक है ये कौन सा टॉपिक एवर ग्रीन है हमेशा आपको हर साल पढ़ के ही जाना है ओके ये हो गया जोनल काउंसिल अगर मैंने बताया स्ट्रेटिक है रीड फ्रॉम लक्ष्मीकांत रीड लक्ष्मी चाचा ओके ये हो गया आपका रीड तो लक्ष्मी चाचा ओके okay? आपका हो गया रिवर बोट एक्ट हो गया आपका ठीक है ये जो डिस्प्यूट देती है इसमें सुप्रीम कोर्ट पहले केस में नहीं कर सकता जुडिशियल रिव्यू स्टेल कर सकता है पहले केसेस में सेस अगर मान लिया कि किसी रिवर डिस्प्यूट का केस था तो जो सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट केस नहीं लेगा पहले ये बॉडी बनेगी आपका ये क्या कहते हैं इंटरस्टेट uh, का ट्रेब, जो ट्राइब्यूनल बनेगा यहां इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत में ट्राइब्यूनल बनेगा उसको पावर कहां से मिलेगी किसी एक्ट से मिलेगी किस एक्ट से मिलेगी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट से उसको मिले पावर मिलेगी ठीक है क्लियर है यहाँ पे ओके ओके क्लियर है सो वी आर रैपिंग दिस लेक्चर इन द सेकेंड लेक्चर विल टॉक अबाउट द विल टॉक अबाउट द जुडिशरी इसके बारे में बात करें जोशल अपॉइंटमेंट क्या होता है एंड एवरीथिंग विल टॉक इन द फोर्थ लेक्चर ओके टिल देन कीप लर्निंग एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू जॉइन द टेलीग्राम फॉर एनी अपडेट्स ठीक है सो ओके टिल देन बु बाय कीप लर्निंग कीप अर्सलिंग